अब्दुल मलिक आपका मेजबान इस शो में जो आपके लिए पेश किया जाता है हर सैटरडे के सह पैर 4 बजे से 5 बजे तक। नाजिन इस शो में हम आपकी लाइफ कॉज लेते हैं और इमिग्रेशन से मुतल्लिक मामलात पर आपको एडवाइस करते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी चाहने वाले को किसी किस्म का कोई इमिग्रेशन मसला दरपेश है तो बिल्कुल प्रोग्राम में फोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाजिन कॉलर्स हमारा अलर्टी लाइन पर इंतजार कर रहे हैं। हम बिना वक्त जाए हुए कॉल का सिलसिला शुरू करते हैं और बढ़ते आज के पहले कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाए। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मुझे ये पता करना है वो ये 7 साल का सर वो चक्कर है यानी कि पेरेंट्स में एक जाने को अप्लाई कर सर दूसरा नहीं कर सर सर उसके बारे में प्लीज जरा क्लैरिफाई करना जी क्या ये बहुत कंफ्यूजिंग है इसमें सर। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल जो 7 साल वाला रूल है जो होम ऑफिस ने अनाउंस किया था वो जुलाई 2012 में अनाउंस किया था। अब उसमें दो तरीके की फैमिलीज को स्टेटस मिलता है। अब अगर तो एक बच्चा है जिसको यहाँ पे 7 साल हो गए और किसी एक पेरेंट के साथ अप्लाई करता है और किसी एक पेरेंट के पास उसकी सोल पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फिर वो अंडर इमिग्रेशन रूल जो पैराग्राफ 276 ADE है उसके मुताबिक होम ऑफिस वाले उनको यहाँ पे स्टेटस देते हैं। तो अगर दोनों पेरेंट्स के पास पेरेंटल रिस्पांसिबिलिटी है तो बेशुमार केसेस होम ऑफिस वाले रिफ्यूज कर देते हैं, मैटर कोर्ट में जाता है, वहां पे आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स अपील अलाउ होती हैं। तो अगर आपका या आपके किसी चाहने वाले के बच्चे को 7 साल का अरसा हो गया है तो बेहतर ऑप्शन ये है कि किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको अपनी सारी सूरत हाल बताएं कि कब आए थे, किस तरह आए थे, बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ या फिर होम कंट्री हुआ था और कितना अरसा उसने यहाँ पे स्कूलिंग कम्प्लीट की है, आइदर कोई पहले केस लगाया नहीं लगाया, वो सारे सर्कमस्टांसिस देख के बताएंगे कि आपके केस के कितने परसेंट चांसेस हैं और किस तरह एप्लीकेशन जमा करानी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी जी फरमाए। हेलो जी, ये बात कर सकते हैं? बिल्कुल जी बात कर सकते हैं, फरमाए आपका सवाल क्या है। वालेकुम सलाम। एक्चुअली ये लाइव शो है ना? बिल्कुल जी लाइव शो है। ओके एक्चुअली मैं पाकिस्तान से स्टूडेंट वीजे पे आया था 2004 में और मेरा लास्ट वीजा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा था जो नवंबर लास्ट ईयर में एक्सपायर हो रहा था। तो उस वक्त मैं 9 साल और चंद महीने हो रहे थे यूके में। तो मुझे किसी ने एडवाइस किया आप मतलब लॉन्ग रेजिडेंस पे अप्लाई कर सकते हो लेटर ऑन, लेकिन यू हैव टू अप्लाई, उसने बोला कि अप्लाई कोई फैमिली लाइफ पे अभी अप्लाई करो। तो वो नवंबर में मैं वीजा एक्सपायर होने से पहले मैंने अप्लाई किया तो वो जनवरी 2 महीने बाद जनवरी में रिफ्यूज हो गया। तो उसको राइट ऑफ अपील में मिला तो अपील मैंने किया। ठीक। तो उसका मुझे ट्राइब्यूनल से हेयरिंग है अभी अक्टूबर में। ठीक। लेकिन मैं मतलब तकरीबन जुलाई अगस्त में 10 साल हो जाएंगे तो क्या मैं अपील में जाऊं तो मेरे चांसेस ज्यादा है या मैं अपील अगर विड्रॉ करूं तो क्या मतलब मैं कर सकता हूं इससे? अगर मैं अपील विड्रॉ करूं तो क्या मैं और स्टे हो जाऊंगा? ठीक। और मुझे मैं स्टिल लॉन्ग रेजिडेंस पे अप्लाई कर सकता हूं क्योंकि मैं 10 साल हो जाएंगे। और आपका कोई डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है आपका क्या? आपकी वाइफ यहाँ पे है डिपेंडेंट? मेरी वाइफ है डिपेंडेंट जो मेरी पोस्ट वर्क डिपेंडेंट आई थी पाकिस्तान फरवरी 2012 में। ठीक आई थी ना? ठीक है। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल जहां तक आपके केस का ताल्लुक है आपके लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि जो आपकी अक्टूबर में हेयरिंग है आप कोर्ट में जाएं, जज को बताएं कि अभी आपके 10 साल कंप्लीट हो गए, वन स्टॉप स्टेटमेंट दें, फिर जो इमिग्रेशन जज होगा वो आपकी अपील अलाउ करेगा किसी लिमिटेड एक्सटेंट तक और मैटर दोबारा होम ऑफिस के पास जाएगा और होम ऑफिस वाले आपके केस के ऊपर नया डिसीजन करेंगे। और जब वो नया डिसीजन करेंगे तो आपकी 10 साल की रेजिडेंसी देखेंगे। अगर तो आप 10 साल यहाँ पे लीगल रहते रहे और अगर आपने लाइफ इन द यूके टेस्ट पास किया है और अगर आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है तो वो फिर लॉन्ग रेजिडेंसी के बेसिस के ऊपर आपको इंडेफिनेट देंगे। तो बेहतर है कि आप अपील पे जाइएगा और जज को ये सारी चीज बताइएगा और कोशिश करें कि आपकी अपील अलाउ हो, क्योंकि अगर आप अपील विड्रॉ करके एप्लीकेशन जमा कराते हैं 10 ईयर्स की बेसिस के ऊपर तो टेक्निकली एक तो आप ओवरस्टे हो जाएंगे, दूसरा ये कि मे बी आपको इंडेफिनिट मिल जाए, मगर आपकी वाइफ के लिए फिर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम होगा क्योंकि उनको यहाँ पे आए हुए 10 साल कम्प्लीट नहीं हुए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर, मेरा सवाल ये था कि मैं सुहेब बात कर रहा हूँ लंदन से। सॉरी जी, जी मेरा सवाल ये था, मैं 2009 में यहाँ पे आया था फैमिली के साथ।
ठीक और 2012 में हमने असाइलम किया था। ठीक उस जब हमने असाइलम किया तो हमारे पास यहाँ पे बेबी था जो यहाँ पे बोर्न हुआ था, और असाइलम के पीरियड के दौरान एक और बेबी बोर्न हुआ। ठीक और 2014 में अभी 3 महीने पहले उन्होंने ना हमारा केस रिफ्यूज करके भेज दिया था। ठीक तो हम जुडिशियल रिव्यू में गए और वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू में हमें लेटर आया ट्रेजरी सॉलिसिटर की तरफ से कि आपका हमारे क्लाइंट के पास 21 दिन है, और वो 21 दिन भी आज पूरे हो गए। तो अब मैं पूछना चाहता था कि ये अब क्या बन सकता है या क्या होगा, और ऊपर से मैं पूछना चाहता था ड्यूरिंग दैट पीरियड अगर हम कुछ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवाए तो वो बन सकता है कि नहीं बन सकता। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहां तक आपके ड्राइविंग लाइसेंस का ताल्लुक है तो अगर आपके पास पहले लाइसेंस था जब आप स्टूडेंट वीजे के ऊपर आए थे, अगर आपने प्रोफेशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था तो बिल्कुल आप उसको चेंज करके फोन ले सकते हैं। तो जहां तक आपके केस का ताल्लुक है तो क्योंकि आपका असाइलम रिफ्यूज हुआ था, उन्होंने अपील का राइट नहीं दिया था, आपने जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई कर दिया, तो नॉर्मल जब भी आप जुडिशियल रिव्यू की प्रोसीडिंग्स कोर्ट में शुरू करते हैं, होम ऑफिस के जो सोलिसिटर्स हैं, ये सोलिसिटर उनके पास टाइम होता है कि वो आपके खिलाफ कोर्ट में डिफेंस फाइल करें। तो बेशुमार केसेस में वो 21 डेज के अंदर नहीं करते, वो 2-3 एक्सटेंशन ले लेते हैं। तो आपके केस में भी बेशक 21 डेज आज कंप्लीट हूं, मे बी नेक्स्ट वीक आपको उनकी तरफ से एक और लेटर आ जाए और वो फर्दर 21 डेज की एक्सटेंशन ले लें। तो पेशेंटली वेट कीजिएगा, जैसे ही वो अपना डिफेंस कोर्ट में फाइल करेंगे आपका मैटर इमिग्रेशन जज के पास जाएगा और उन्होंने आपके केस के ऊपर फैसला करना है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम जी, आदिल साहब बोल। बिल्कुल जी, बात कर रहा हूँ, फरमाए जी। आदिल साहब, मैंने आपको लास्ट टाइम फोन किया था तो मैं टीवी नहीं देखा था, तो मैंने क्वेश्चन दो छोटे छोटे पूछे थे तो वो कॉल कट गई थी। ठीक, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एक तो ये कि जो 10 ईयर जो डिस्क्रेशन लीव होती है वो 10 ईयर रूल में आती है या नहीं, और फर्स्ट अगर कोई 10 ईयर रूल के लिए अप्लाई करता है ठीक, तो उसमें उसके पास डिस्क्रेशन लीव है ठीक, तो फर्ज करें अगर उसको किसी वजह से रिफ्यूज कर देते हैं तो उसको फर्दर ऑन डिस्क्रेशन लीव मिलती है या इसका कोई और सिलसिला होता है? ठीक, अगर आप फोन पे बता दें प्लीज। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आप अगर तो किसी बंदे के पास वैलिड वीजा था, फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट, HSMP, वर्क परमिट, और वो वीजे खत्म होने से पहले उन्होंने डिस्क्रिप्शन लीव के लिए अप्लाई कर दिया और होम ऑफिस ने उनको डिस्क्रिप्शन लीव दे दी, तो फिर तो वो 10 ईयर्स के रूट में बिल्कुल काउंट होगी। अगर उसी डिस्क्रिप्शन लीव के ऊपर उनको 10 साल यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं तो फौरी तौर पर इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करें, मुझे पूरा यकीन है इंडेफिनेट मिलेगा। और अगर तो किसी बंदे ने डिस्क्रिप्शन लीव के लिए अप्लाई किया था जब उसका वीजा खत्म हो गया था, या फिर अगर कोई अपील डिसमिस हो गई थी, तो फिर वहां पे गैप आ जाएगा, उनको 6 साल डिस्क्रिप्शन लीव के ऊपर कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर उनको पहली ग्रांट जुलाई 2012 से पहले मिली थी, अगर किसी को जुलाई 2012 के बाद मिली है तो उसको 10 साल यहाँ पे कम्प्लीट करने पड़ेंगे। तो आपके केस में आप देखिएगा कि इधर जो आपने अप्लीकेशन की थी वो आपने इन टाइम की थी, आपके पास वीजा था, वैलिड था या एक्सपायर हो गया। तो अगर वैलिड था तो बिल्कुल 10 साल की बेसिस ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अगर एक्सपायर हो गया था तो आपको डिस्क्रिप्शन लीव के ऊपर टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो भाई, मेरा ये सवाल है कि मैं अपनी मम्मी को ना स्पॉन्सर करना चाहती हूँ। ठीक, तो उसके लिए यानी मैं काम नहीं करती हूँ तो मैं बेनिफिट पे हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? क्या वो मेरी डिपेंडेंट बन सकती है या फिर विजिटर? ऐसा सोल्यूशन है कि वो यहाँ आ जाए? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, क्योंकि आप काम नहीं करती, आपकी कोई रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मदर आपकी डिपेंडेंट तो नहीं बन सकती, मगर अगर वो यहाँ पे विजिट करने के लिए आना चाहती हैं, आपको आपके बच्चों को मिलने के लिए आना चाहती हैं, तो बिल्कुल आप उनको यहाँ से स्पॉन्सरशिप लेटर भेज सकती हैं। वहां से जितने भी आपकी मदर के एसेट्स हैं, कोई पेंशन आती है, बैंक अकाउंट है, फिक्स डिपोजिट है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, वो सारे डॉक्यूमेंट जमा करा के वो विजिटर फैमिली विजिट के लिए अप्लाई कर सकती है कि उनकी यहाँ पे फैमिली है और वो 2 से 3 हफ्ते विजिट करना चाहती हैं। तो अगर इमिग्रेशन ऑफिसर सारे उनके सर्कमस्टांसेस से सेटिस्फाई होते हैं और सेटिस्फाई होते हैं कि वो 2 से 3 हफ्ते बाद यहाँ से वापस चली जाएंगी, तो बिल्कुल उनको 6 माह का विजिट वीजा मिल सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हाय, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आई हैव वन क्वेश्चन, आई एम ऑन अ वीजा 5 ईयर रूल। ओके, जस्ट वांट टू आस्क यू दैट इन ईच ईयर हाउ लॉन्ग आई कैन स्टे आउटसाइड यूके so that it won't cause a problem for my indefinite, please. And on which visa you are on? I'm on a spouse visa now.
Spouse visa. Thank you for your call. Well, it is advisable if you are traveling outside the UK not to stay more than 90 days a year. So if you are not staying more than 90 days a year, then there will be no problem at all. Thank you for your call. Nazin, badhte hain. Next caller ki taraf, jee farmaiye. Jee farmaiye. जी फरमाइए नाज़रीन लगता जी फरमाए हेलो जी हेलो मालिक सर नमस्ते सर नमस्कार जी फरमाए सर मैं मेरा सवाल पूछना चाहती हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं ठीक तो हमने केस लगाया था एक्सटेंशन के लिए ठीक तो उन्होंने अब रिफ्यूज कर दिया तो मैं पूछना ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जहाँ पे काम करते हैं वो कंपनी फैब्रिक की कंपनी है और उसके बॉस जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हैं मेरे हस्बैंड को क्या हमारा वीजा चेंज हो सकता है वर्क परमिट के लिए कि या नहीं ठीक और आपने अभी अपील कर दी है रिफ्यूजल के खिलाफ या क्या किया आपने हाँ जी अपील की है अगर अपील नहीं भी बनती तो क्या हम उसके बॉस जो मेरे हस्बैंड के बॉस है तो वो हमें स्पॉन्सर कर सकते हैं वर्क परमिट में चेंज हो सकता है हमारा स्टेटस स्टूडेंट का ठीक है आपके कॉल का शुक्रिया बिल्कुल आपके हस्बैंड का स्टेटस स्टूडेंट डिपेंडेंट से वर्क परमिट पे चेंज हो सकता है उसमें बुनियादी शर्त कंडीशन ये है कि जो आपके हस्बैंड के एम्प्लॉयर है उनके पास लाइसेंस होना चाहिए और जाहिर बात है जब हस्बैंड को वो जॉब ऑफर करेंगे उसके बाद जो उन्होंने होम ऑफिसर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेना है उससे पहले पहले आपके हस्बैंड की जॉब जो करेंगे वो एडवर्टाइज होनी चाहिए 28 डेज के लिए जॉब सेंटर में और जो आपके हस्बैंड काम करेंगे उसका वो हाईली स्किल्ड होना चाहिए तो बिल्कुल अगर उनके पास लाइसेंस है तो बेहतर है किसी अच्छे वकील से जाके मिलेगा वो आपको गाइड करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट जॉब सेंटर में किस तरह करनी चाहिए और किस टाइम आपके हस्बैंड के एम्प्लॉयर ने सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करना है जैसे वो अप्लाई करते हैं हम उसके उनको सर्टिफिकेट देंगे उसके बाद आप अपनी अपील विड्रॉ करके 28 डेज के अंदर एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं आपकी कॉल का शुक्रिया नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ जी फरमाइए अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी आदिल साहब मैं अहमद बात कर रहा हूँ लंदन से जी सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मैं ऑलरेडी मैं वकील की हुई है लेकिन मुझे ये कि आपका काफी दिनों से आपके प्रोग्राम को वेट कर रहा था क्योंकि मुझे आपकी एडवाइस से काफी सेटिस्फेक्शन मिलती है क्योंकि आप काफी डिटेल और प्रॉपर एडवाइस करते हैं थैंक यू सो मच सर आपका एंड सेकेंडली मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन है मैं काइंडली इसका डिटेल आंसर कर दीजिए मैंने स्पाउस वीजा स्पाउस ने इनफेक्ट मैंने अप्लाई किया था मेरे यूरोपियन के साथ शादी थी 2010 में ठीक तो मेरी डिवोर्स मैंने लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में अप्लाई कर दी थी आफ्टर थ्री ईयर्स ठीक तो मेरी डिवोर्स अभी 25 अप्रैल को उन्होंने मुझे डिग्री ने सही दिया कि आप ठीक सिक्स वीक बाद आप डिग्री सलूट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि 9 जून को बन रही है ठीक एग्जैक्टली 9 जून लेकिन अब यह कि मेरा केस उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था होम ऑफिस से कि भी हम आपको इंडेफिनेट स्टे नहीं यानी परमानेंट स्टे नहीं रेजिडेंस दे सकते क्योंकि अगर आपकी एक तो डिग्री सलूट नहीं आई है ठीक आपकी डिवोर्स कम्प्लीट नहीं हुई सेकेंडली आप इनसफिशियंसी आपकी वो शो हो रही है आपको इंडिपेंडेंट नहीं है ठीक और थर्ड मतलब इससे इंश्योरेंस नहीं है आपकी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है ठीक और एक उन्होंने और किसी तरह हाँ इक्विटी राइट्स यूज करी कि नहीं करी आपकी वाइफ चार एलिगेशन उन्होंने लिए थे अच्छा कि ये चार एलिगेशन अगर कंप्लीट करते हैं तो ठीक है अब मैंने किया कि मैंने इंश्योरेंस अपनी करा ली मेडिकल ठीक तो मेरी डिग्री भी इंशाल्लाह 9 तारीख को आ जाएगी ठीक और ये कि मेरी सेल्फ सफिशिएंसी के लिए मेरी स्टेटमेंट और मेरा भाई जो ऑलरेडी स्पाउस है किसी और वाइफ से ठीक तो मेरे सोलिसिटर ने कहा था वो भी तुम्हें स्टेटमेंट दे सकते कि मैं इसको सपोर्ट करता रहा ठीक इस तरह से भी है ठीक एंड थर्डली जो इक्विटी राइट्स का उस समय बोला था मेरे वकील ने कि वो खुद ही चेक कर लेते हैं उनकी जिम्मेदारी है कोर्ट से चेक कर सकते हैं ठीक उनको नहीं आपके डिवोर्स के बाद आपको ना ठीक वो इसका ऑब्जेक्शन ले आएंगे मुझे उन्होंने मेरे वकील का सर नोटिस दिया वन स्टॉप वार्निंग वाला ठीक क्योंकि मेरी हेयरिंग है नवंबर में उन्होंने दी है उन्होंने भी मुझे वो जो वन स्टॉप वार्निंग जैसे कहते हैं अगर आपको हम आपके क्लाइंट को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ठीक अगर कुछ और डॉक्यूमेंट और चीजें सबमिट कराना चाहते हैं तो आप करा दे तो हम ना आपको क्या करेंगे हम आपको उसकी अदरवाइज तो हम जो पेपर पहले सबमिट है उसी बेस पे ना और मुझे कर देंगे ये बताएं कि आपको 5 साल का रेजिडेंस मिल गया था आपको 5 साल का रेजिडेंस नहीं असल में मैंने नहीं वो पहले मैं स्टूडेंट वीजा पीएसडब्ल्यू पे चलता रहा था मैंने अप्लाई ही नहीं किया था अच्छा 5 साल पहले ना ठीक मेरे से ये भी बेसिकली प्रॉब्लम हुई थी तो अभी मुझे सिर्फ ये कंफर्म करना है तो मेरे सोलिसिटर को अगर अपनी और भाई की स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट दे दूं और मेरा भाई स्टेटमेंट भी दे कि मैं इसको सपोर्ट करता रहा पिछले 3-4 साल से ठीक और सेकेंडली मेरी डिग्री ऑफ सलूट भी आ जाए ठीक और ये कि मेरी मेडिकल इंश्योरेंस भी है और क्विटी राइट्स का मैं ही कंफर्म कर सकता हूँ मेरी वकील भी नहीं कर सकती क्योंकि तो वो खुद ही कर लेंगे खुद ही करते वो ठीक है कि मेरे ना ठीक बिल्कुल समझ गया मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उन्होंने मुझे जो लेटर भेजा था वो 30th को एक्सपायर हो रहा था जुम्मे के दिन यस्टरडे
तो मेरे वकील ने 29 को उनको लिखा कि मैं छुट्टी पे थी, ठीक, तो इसलिए ना मेरे पता नहीं मिला, मैं पता नहीं था इसके लेटर का आपने जो भेजा, तो काइंडली मैं आपका सवाल समझ गया हूँ जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल अगर आपकी अपील पेंडिंग है तो अपील का वेट करें। साथ में जारी बताए जिस कैटेगरी के अंदर आपने एप्लीकेशन की थी रेगुलेशन 10 के अंदर, उसमें बुनियादी तौर पर रिक्वायरमेंट है कि आपके पास फुल डिवोर्स की डिग्री होनी चाहिए। तो जाहिर बात है पहले एप्लीकेशन करने का कोई पॉइंट बनता नहीं था क्योंकि आपके पास फुल डिवोर्स नहीं हुई थी, जो कि अभी आपको जून में इशू होनी है। जैसे इशू होती है उसके बाद आप फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसमें बुनियादी कंडीशन ये है कि एक तो आपकी डिवोर्स हो जो कि आपको जून में मिल जाएगी, दूसरा ये कि आप यहाँ पे इकोनॉमिकली एक्टिव हों, आप काम कर रहे हों और आपके पास इतने सोर्स ऑफ इनकम हो कि आप अपने आप को अकोमोडेटिव मेंटेन करें, तीसरा एविडेंस ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि जितना अर्सा आपकी शादी चली थी 2 से 3 साल उतना अर्सा आप दोनों साथ रहते रहे हैं और आपकी वाइफ यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करती रही है। तो उसके लिए आपको अपनी वाइफ की पे स्लिप्स या बैंक स्टेटमेंट्स या फिर अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड थी टैक्स रिटर्न या फिर अगर वो स्टूडेंट थी तो कॉलेज से सर्टिफिकेट्स वगैरह और उनकी इंश्योरेंस चाहिए होगी। तो अगर आप ये तीन मेन कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो आपको 5 साल का रेजिडेंस कार्ड यूरोपियन रूल्स के अंदर मिलना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। यार मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शायद कर दो, मेरे 3-4 क्वेश्चन है तो उनको जवाब देना आपने प्लीज। मैं आपको पहले भी तकरीबन 4-5 महीने कॉल कर चुका हूँ। ठीक है। मैंने शादी की है, फिर मेरे रुके से रिफ्यूज होता रहा था, उसके बाद वो मेडिकल लेटर हमने सेंड किया था उनको साथ, तो फिर वो भी हम ऑफिस में ये लिखा था कि आपको कोई बच्चा नहीं है, काम काम कर तो वहाँ जा रहे थे तकरीबन महीने दो, एक 4-1 वीक उधर पेंडिंग था, तो इस दौरान हमारा अभी तो बेबी भी हो गया और लिखा है वो जो ना जो है केस वापस ले ले, हम इसे दोबारा कंसीडर करेंगे। ठीक। तो ये बता दें कि अभी वो उनको उनका वापस केस लेने का क्या मकसद है। दूसरी बात ये बता दें जो बच्चा हुआ है उस बेसिस पे अभी मेरे इधर चांसेस कितने हैं केस होने के, या हैं या नहीं है। ठीक। और इसके अलावा काम करने का मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर वाइफ भी मेरी अभी मैटरनिटी लीव से हो गई है, वैसे तो वो जॉब करती है लेकिन अखराजात पूरे नहीं होते तो मुझे काम करना पड़ता है, तो इसके लिए मुझे जरा इसकी रोशनी डाल दी गई थोड़ा सा। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहां तक काम का ताल्लुक है तो काम की परमिशन के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चांसेस कम है इस स्टेज पे कि होम ऑफिस आपको काम की परमिशन दें। तो जारी बात है बच्चा आपका ब्रिटिश है, आपको ह्यूमन राइट्स की बेसिस के ऊपर, आर्टिकल 8 की बेसिस के ऊपर, सेक्शन 55 की बेसिस के ऊपर स्टेटस मिलना चाहिए। तो इस स्टेज पे क्योंकि होम ऑफिस ने अपना पुराना डिसीजन वापस ले लिया है, वो नया फैसला करेंगे, तो उसमें दो ही ऑप्शन हो सकती है। एक तो ये कि आपको यहाँ पे स्टे देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे 2.5 ईयर्स की, या फिर वो आपका केस दोबारा रिफ्यूज करेंगे और आपको अपील का राइट देंगे। तो अगर रिफ्यूज करते हैं, अपील का राइट भी देते हैं, फिर आप कोर्ट में जा सकते हैं, इमिग्रेशन जज को सारी चीज बता सकते हैं कि आप इतने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, आपकी वाइफ यहाँ पे सेटल है, आप यहाँ पे सेटल है, आपका बच्चा यहाँ पे है, तो फिर ह्यूमन राइट्स के बेसिस के ऊपर चांसेस हैं कि आपके अपील अलाउ हो। तो फिलहाल पेशेंटली वेट करें, देखिए होम ऑफिस क्या डिसीजन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कीजिएगा। नाजर यहाँ पे वक्त हुआ चलता है छोटी सी ब्रेक का, आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही लम्हों में फिर हाजिर होंगे। नेक्स्ट ईयर जो है अपना FLRM एक्सटेंड करवाने जा रही हूँ मैं और मेरी डॉटर, हस्बैंड के पास ILR है, लेकिन अभी इसी मंथ मेरे हस्बैंड की जॉब जो दो जॉब कर रहे थे एक जॉब चली गई है, तो ही इज जस्ट वर्किंग 16 आवर्स एक वीक के अंदर, तो हमने बेनिफिट के लिए अप्लाई करा है मेरे हस्बैंड ने अपने लिए और मेरा बेटा ब्रिटिश है उसके बेसिस पर, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या ये जो बेनिफिट्स लेने से हमारे FLRM जब मैं अपना वीजा एक्सटेंड करवाऊंगी नेक्स्ट ईयर उस पर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्या, जो मेरे हस्बैंड बेनिफिट ले रहे हैं लेकिन अभी हम सिर्फ फौरी तौर पे ले रहे हैं 3-4 महीने जब तक नई जॉब ना लग जाती है, या फिर ये टैक्सी का मेरे हस्बैंड अप्लाई करने जा रहे हैं, तो ये पता करना है कि इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी बेनिफिट लेने पर वीजा में आगे। ठीक।
ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल पहली चीज़ यह है कि आपके हस्बैंड यहाँ पे सेटल हैं, आपका बच्चा ब्रिटिश है, तो बिल्कुल उनके पास पूरा राइट है कि वो चाइल्ड बेनिफिट लें, टैक्स क्रेडिट्स लें। तो जारी बात है, अगर उनकी अभी इनकम कम है, गवर्नमेंट उनको बेनिफिट देती है, तो बिल्कुल वो लें। इसे आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस तरह आपने मुझे बताया कि 3-4 महीने बाद आप खत्म कर लेंगे जब हस्बैंड की इनकम ठीक हो जाएगी, तो क्योंकि आपने FLRM के लिए स्पाउसल के लिए नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी काफी टाइम मौजूद है। जब एप्लीकेशन करते हैं वो बुनियादी तौर पर 6 माह की पे स्लिप्स और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, और तब तक मुझे उम्मीद है कि आपके हस्बैंड के बेनिफिट स्टॉप हो जाएंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। यस गुड आफ्टरनून सर, मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप सर जवाब दे सकते हैं, थोड़ा डिटेल में दे दीजिएगा। सर मैं एक्चुअली ब्रिटिश सिटीजन हूँ, मेरी डॉटर है 4 इयर्स की, वो भी ब्रिटिश सिटीजन है। मेरी वाइफ 2009 में यहाँ पर डिपेंडेंट वीजे पर आई थी, मेरी डिपेंडेंट, तो उनका 2012 में हमने 2 इयर्स का स्पाउस वीजा चेंज करवाया था, क्योंकि मुझे ब्रिटिश सिटीजनशिप 2010 में मिली थी, तो उनका स्पाउस वीजा उनको पुराने रूल्स के तहत दे दिया था। पर सर मैं उस टाइम बेनिफिट्स ले रहा था, पर मैं वॉलंटरी काम कर रहा था, पर उन्होंने फिर भी मुझे स्पाउस वीजा मेरी वाइफ को दिया है। पर अब सवाल यह है कि अक्टूबर में उनका स्पाउस वीजा खत्म होने जा रहा है, तो मैं अभी बेनिफिट्स ले रहा हूँ, फुल बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो सर इस हाल में हमें क्या अप्लाई करना चाहिए? ILR करनी चाहिए या डिस्कशनरी लीव करनी चाहिए या फर्दर लीव टू रिमेन अंडर मैरिज कैटेगरी, जिसका FLRM फॉर्म होता है? तो अगर आप सर इसका मुझे प्लीज सही सही बता दें कि हमें क्या अप्लाई करना चाहिए और फॉर्म्स क्या है और उनकी फीस क्या है सर। थैंक यू वेरी मच इंडीड। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपकी वाइफ को चाहिए वो सेटलमेंट के लिए अप्लाई करें इंडेफिनेट के लिए, क्योंकि उनको 2 साल स्पाउस के ऊपर हो चुके हैं। जाहिर बात है कानूनी तौर के ऊपर अगर इमिग्रेशन रूल्स देखें, पैराग्राफ 281 देखें, तो उसमें है कि आपको बेनिफिट क्लेम नहीं करने चाहिए। मगर मैंने बेशुमार केसेस देखे हैं कि जिसमें इंडेफिनेट क्लेम कर रहे हैं, स्पाउस वीजे के ऊपर इंडेफिनेट दे देते हैं। तो क्योंकि आपने मुझे बताया कि आपका बच्चा भी ब्रिटिश है, तो बिल्कुल इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कीजिएगा। होम ऑफिस की तकरीबन को £1100 फी है, सेट एम फॉर्म फिल करके भेजना पड़ेगा। अगर होम ऑफिस ने इंडेफिनेट दे दिया ठीक, अगर नहीं दिया तो उन्होंने आपकी जो वाइफ है उनको फर्दर डिस्क्रिप्शन लीव ग्रांट कर देनी है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। जी हेलो। जी फरमाए। हेलो, मैंने अपने बारे में सवाल पूछना था। हम यहाँ पे 2011 में आए थे नवंबर में, तो हमने यहाँ पे फार्म किया था। ठीक। उसके बाद 3 दफा हमारा रिफ्यूज हो गया। अभी मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में फ्रेश क्लेम किया है। ठीक। पहले केस से हट के बिल्कुल मैंने फ्रेश क्लेम किया है। ठीक। उसके फ्रेश क्लेम करने से 1 माह पहले मुझे पता चला था कि मेरे बेटे का ऑपरेशन होना था यहाँ पे इमरजेंसी, पर हॉस्पिटल वालों ने रिफ्यूज कर दिया कि था कि आपका स्टेटस नहीं है यहाँ पे कोई भी। तो मैंने फ्रेश क्लेम किए हुए अभी 7 माह हो गए हैं, तो अभी तक वो कुछ जवाब नहीं दे रहे। पर लास्ट मंथ उनका लेटर आया था। अच्छा। 2-3 दफा मैंने रिमाइंडर भी भेजा था, तो लास्ट मंथ उनका लेटर आया था कि पहले आपकी फाइल जोन सी थी के स्टोर में पड़ी हुई है, अभी आपको आपकी फाइल किसी टीम को दे दी गई है। ठीक। तो प्लीज इसका बताएंगे जरा, ये कितनी देर लगाएंगे अभी, क्योंकि ये अक्टूबर में यहाँ पे भी वो ऑपरेशन अवेलेबल अच्छा। नहीं है मेरे बच्चे का जो सा होना है। ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपके केस में एक तरीके से दोजारी बताए जितना ज्यादा टाइम निकले उतना बेहतर है, क्योंकि उतने आपके बच्चों को यहाँ पे ज्यादा अरसा होता रहेगा, उतना आपके केस आपका स्ट्रांग बनेगा। नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होंगे, गवर्नमेंट कोई नहीं आएगी, मे बी वो कोई नई पॉलिसी लेके आए या नए रूल्स लेके आए, तो फिलहाल जारी बताए जितना टाइम ज्यादा निकलता है उतना बेहतर है। फिर भी अगर होम ऑफिस वाले दोबारा आपका केस रिफ्यूज कर देते हैं, आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इस मैटर को हाई कोर्ट में चैलेंज करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक सर, मैंने ना आपको कॉल किया था, यूरोपियन केस की सारी डिटेल बताई, आंसर भी कर दिया था। जी बस मैं एक चीज आपसे पूछनी थी, आपने बताया था ना कि 3 साल का प्रूफ इकट्ठी का देना पड़ेगा कि इकट्ठी रहती है उसकी स्टेटमेंट चीजें। ठीक। उन्होंने जो रिफ्यूजल लिखा था उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था वी एडमिट दैट कि आप 3 इयर्स आपने इकट्ठे गुजारे हैं और 1 साल आपने इसी कंट्री में दोनों ने गुजारे, हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक। तो ये मुझे पूछना था कि इसका क्या असर होगा मेरी अपील पे आगे फर्दर केस पे, और सेकेंडली कि वन स्टॉप वार्निंग का सर क्या मतलब है, क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा हुआ है आखिर में आप डिक्लेरेशन दो कि आप नेक्स्ट कोई भी नहीं अप्लाई करोगे किसी तरह की कोई चीज, उसको परस्यू नहीं करोगे अगर हम आपको वीजा देंगे या ना दें, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हो।
ठीक तो मैं कोर्ट में जा सकता नहीं जा सकता या क्या हो सकता है? ठीक ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहां तक आपके रिफ्यूजल का ताल्लुक है, अगर आपने इसी रिफ्यूजल के अगेंस्ट अपील की थी तो फिर कोर्ट पे सेटिस्फाई होगा कि आप दोनों साथ रहते रहे हैं। बाकी जो होम ऑफिस रिफ्यूजल में जिन ग्राउंड्स के ऊपर आपकी अपील रिफ्यूज की थी, कोर्ट उनको एड्रेस करेगा, देखेगा इधर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं या नहीं करते। तो जहां तक वन स्टॉप स्टेटमेंट का ताल्लुक है, तो आपका मैटर होम ऑफिस ने लोकल इन्फोर्समेंट टीम को भी फॉरवर्ड कर दिया है। जो लोकल इन्फोर्समेंट टीम है उसका काम है कि आपका केस देखे और डिसीजन करे कि इधर आपका आर्टिकल 8 का ह्यूमन राइट्स का कोई क्लेम बनता है या नहीं बनता। तो अगर आपके वकील ने उनको चिट्ठी लिख के वन स्टॉप स्टेटमेंट भेज दी है, आपके एडिशनल ग्राउंड्स उनको भेज दिए, थोड़े अरसे में होम ऑफिस से आपको रिस्पॉन्स आएगा जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि उनकी ओपिनियन क्या है, इधर आपका आर्टिकल 8 का ह्यूमन राइट्स का कोई क्लेम बनता है या नहीं बनता। तो अगर नहीं बनता तो वो आपको एक और नोटिस इशू करेंगे IS 151B, और उसमें लिखेंगे कि आपका क्लेम अनफाउंडेड है और अंडर सेक्शन 94 आप उसके ऊपर अपील नहीं कर पाएंगे। मगर दूसरी साइड पे जो आपकी प्रेजेंट अपील है वो चलती रहेगी। अगर आप कोर्ट में जाते हैं, जज को सारी चीज सेटिस्फाई कर देते हैं, तो जो इमिग्रेशन जज है वो अंडर EA रेगुलेशन 2006 आपकी अपील अलाउ करेगा और होम ऑफिस फिर 5 साल का आपको रेजिडेंस परमिट इधर ग्रांट करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब लंदन तो बोल रहे हैं, मेरा एक सवाल है आपसे। मैंने असाइलम किया था 2006 में, ठीक। तो उसके बाद मेरा एक बेटा पैदा हुआ, तो उसकी उम्र हो गई है 7 साल, ठीक। उसके बाद एक बेटी पैदा हुई जो 4 साल की है, ठीक। और मेरे बेटे को जो है ना वो है एक ऑटिज्म होती है ना, जो वो है वो स्पेशल स्कूल में जाता है और स्पेशल मतलब उसका जो है ना सारा पेपर वर्क है उसका, ठीक ठीक है। काफी सारी अथॉरिटीज उसमें इन्वॉल्व थी जिन्होंने मतलब कि मुझे सपोर्ट किया, और मेरे बच्चे को मतलब कि स्पेशल नीड की जरूरत है। अच्छा। और वो बोलता भी नहीं है अभी, ठीक है। तो अभी मैंने 7 ईयर के बेस पे ना एप्लीकेशन की थी, हो गए 2 महीने हो गए हैं, ठीक। तो उन्होंने ना मुझे रिफ्यूज कर दिया था, ठीक ठीक है। तो रिफ्यूजल में उन्होंने ये लिखा था कि आप में से अगर आपका कोई पार्टनर ब्रिटिश है तो हम आपको स्टे दे देते हैं, ठीक है। और बच्चे का उन्होंने आखिर में ना बस थोड़ा सा जिक्र किया कि जी ये तो इसको हमें पता है कि इसको ऑटिज्म है, तो ये तो पाकिस्तान जाके भी रह सकता है और ये ठीक कर सकता है, ठीक ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब रिफ्यूजल आया तो मैंने अपने वकील से बात की, तो उसने कहा कि मैंने उनको फर्दर रिप्रेजेंटेशन बना के भेज दी है, ठीक ठीक है, ठीक। एक तो मुझे ये चीज पता करनी है कि अभी रिफ्यूजल के बाद ये रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये इसका भी मुझे डिटेल से बता दीजिएगा। और दूसरी बात यह है मलिक साहब कि मुझे अब फर्दर आगे क्या करना चाहिए। ठीक 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 है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहां तक आपने मुझे बताया कि आपने असाइलम 2006 में क्लेम की थी, तो जाहिर बात है आप लेगेसी स्कीम के अंदर आते थे, आपको तो चाहिए था कि काफी पहले लेगेसी में क्लेम करते तो लेगेसी में आपको स्टेटस मिलने के चांसेस थे। तो बहरहाल आपने लेगेसी स्कीम से फायदा नहीं उठाया, जहां पे 4.5-5 लाख लोगों को स्टेटस मिल चुका था। तो एनीवे, जो आपकी फ्रेश एप्लीकेशन का ताल्लुक है, तो जाहिर बात है जो हम उसके आज का रिफ्यूज कर रहे हैं वो 3 चीजें बुनियादी तौर पे देख रहे हैं। एक तो वे आपका केस अपेंडिक्स FM के अंदर देखते हैं, जो कि आपने मुझे बताया वो यही लिखते हैं कि क्योंकि आपका कोई बच्चा या पार्टनर ब्रिटिश नहीं है, हम आपका केस रिफ्यूज कर रहे हैं। दूसरा वो देखते हैं पैराग्राफ 276 ADE, उसमें यही कहते हैं कि आपको इधर रहते रहते 20 साल नहीं हुए, ना ही आपने अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा इधर गुजरा है, और बेशक आपके बेटे ने 7 साल कम्प्लीट कर दिए, मगर टोटल पूरी की पूरी फैमिली को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। तीसरा वो एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस देखते हैं, जिस तरह उन्हें आपके केस में भी देखा, और उनके मुताबिक पाकिस्तान में बच्चे की ट्रीटमेंट हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बेशुमार हॉस्पिटल स्कूल्स हैं जिसमें इस तरह के बच्चे पाए जाते हैं। तो बहरहाल अभी आपको यही कह चाहिए कि जो होम ऑफिस का डिसीजन है उसको आप कोर्ट में चैलेंज करें, जुडिशियल रिव्यू के लिए अप्लाई करें, क्योंकि जो आपके वकील ने फर्दर रिप्रेजेंटेशन भेजी है उनकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, ना ही होम ऑफिस के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि उनको रिव्यू करें या फिर उनके ऊपर कोई फैसला करें। तो अगर आप इसको कोर्ट में लेके जाते हैं तो कोर्ट में अच्छे चांसेस होंगे कि या तो वहां से आपकी बात बनेगी या फिर आपको अपील का राइट मिलेगा, फिर आप इमिग्रेशन जज के सामने जाकर ये सारी चीजें रख सकते हैं और ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड्स के ऊपर फाइट कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो जी फरमाए। हेलो, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो टायर 2 वीजा है वो अभी 5 साल का हुआ है, एक ही साथ में 5 साल का ले सकते हैं? ठीक
ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपको सही इल्म है, 6 अप्रैल 2014 से रूल्स चेंज किए थे। अभी आपके एम्प्लॉयर की मर्जी है, वो 3 साल का आपको वर्क परमिट देना चाहे 3 साल का दे सकता है, 5 साल का देना चाहे तो 5 साल का दे सकता है। तो 5 साल के केसेस में 5 साल का वर्क परमिट डायरेक्ट टू स्टेट वे मिल जाता है। 5 साल के बाद फिर आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर कॉल। नाजिन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाए। जी मलिक साहब, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एक्चुअली मैं इधर 2006 में आया था, मैं और मेरी वाइफ, और हमारे पास 2 साल का वीजा था, वो तो 2 साल के बाद एक्सपायर हो गया। ठीक। अभी हमारा स्टेटस इलीगल है, तो हमारी बेटी है जो 6 साल की हो गई, अभी 7th ईयर में है। ठीक। तो हम उसके लिए कोई केस अभी लगा सकते हैं, या 7 साल के बाद ही लगा सकते हैं? ठीक। और अगर उससे पहले कोई केस हमको कर सकते हैं या उसके 7 साल के बाद ही करेंगे? ठीक, हमें डिटेल में बता दीजिए प्लीज। ठीक ठीक है। क्यों, आप और आपकी वाइफ वर्किंग हॉलीडे मेकर वीजे के ऊपर आए थे, जाहिर बात है 2 साल के बाद वो एक्सपायर हो गया। तो बहरहाल जारी बात है, अभी आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि अगर आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं 7 साल तक, तो 7 साल वेट करें, उसके बाद एप्लीकेशन करें कि इसके अच्छे चांसेस होंगे को कोई बात बने। अगर अभी आप केस शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। अभी भी आप ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड्स के ऊपर, आर्टिकल 8 की बेसिस के ऊपर, सेक्शन 55 की बेसिस के ऊपर एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। बेहतर आपके लिए कि फौरी तौर पर किसी अच्छे से पी से जाकर मिलें, उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, वो डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में बताएंगे कि इधर अभी एप्लीकेशन लगानी चाहिए या 1 साल और वेट करना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं समीर बात कर रहा हूँ लंदन से, मुझे आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं छोटे छोटे। जी फरमाए। मैं 2010 में यहाँ आया था स्टूडेंट, और मेरे पास 1 साल का वीजा था। ठीक। तो उसके बाद मेरा वीजा एक्सपायर हो गया और मैंने एक्सटेंड नहीं करवाया, तो फिर मैं एक यूरोपियन लड़की के साथ रह रहा था। ठीक। से मैंने निकाह कर लिया और मैंने जेल लीगल हुए 2 साल हो गए थे यहाँ पे। अच्छा। मैंने 20 मार्च को अपनी एप्लीकेशन की निकाह बेस पे। ठीक। और उन्होंने मुझे 12 मई को 5 साल के रेजिडेंट कार्ड इशू कर दिया उन्होंने मुझे। ठीक। मुझे आपसे पूछना यह है कि मैं अपनी मुझे शादी रजिस्टर करवाना जरूरी है, क्योंकि अब मेरे पास ऑलरेडी 5 साल का उन्होंने मुझे इशू किया है वीजा। ठीक। दूसरा ये कि अगर मैं पाकिस्तान ट्रैवल करूंगा और जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ठीक ठीक है, बिल्कुल ये अच्छी बात है कि आपको 5 साल का रेजिडेंस कार्ड मिल गया। तो बुनियादी तौर पे 2 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक तो मसले कहते हैं कि आपकी शादी रजिस्टर हो, अगर शादी रजिस्टर नहीं होती, जिस तरह आपके केस में आपकी शादी रजिस्टर नहीं थी, कानून है कि आपके पास 2 साल का एविडेंस हो कि आप 2 साल साथ रहते रहे। तो मेरे ख्याल में जब आपने एप्लीकेशन भेजी, आपने अपना निकाह का नामा भी भेजा था, उसके साथ साथ आपने 2 साल का एविडेंस भेजा था कि आप दोनों साथ रह रहे हैं, होमोसेक्सुअल ने रिलेशनशिप के बेसिस के ऊपर आपको स्टेटस दे दिया। तो आपकी मर्जी है, अगर आप कानूनी तौर पे शादी रजिस्टर कराना चाहते हैं करा लें, अच्छी बात है। अगर आप नहीं कराना चाहते तो लाजमी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जहां तक ट्रैवलिंग का ताल्लुक है तो बिल्कुल आप पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं। वापस एयरपोर्ट पे आते हैं तो डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर, बाज का तो 1-2 सवाल आपसे पूछ सकते हैं, सिर्फ यही चेक करने के लिए कि इधर आपकी वाइफ आपके साथ रह रही है, कंफर्म करने के लिए कि आप दोनों का रिलेशनशिप अभी कंटिन्यू है या नहीं। और साथ में वो दूसरी चीज ये चेक कर सकते हैं कि इधर आपकी वाइफ स्टिल यहाँ पे काम कर रही है, स्टिल वो अपने डेली डाइट एक्सरसाइज कर रही है या नहीं। तो अगर इन दोनों चीजों से वो सेटिस्फाई होते हैं तो आपको एंट्री मिल जाती है। आपकी कॉल शुक्रिया। नाजिन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी आपसे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, क्योंकि मैं पेंटिंग ट्रिब्यूनल का है रही है, जो मैं फैमिली लाइफ का जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज हुआ था। ठीक। तो उससे पहले आपको मैंने बताया कि मेरे 10 ईयर्स कम्प्लीट हो रहा है, तो आपने मुझे कहा कि आपने मुझे एडवाइस किया कि मैं जाऊं हेयरिंग पे, लेकिन मुझे एक सोच ने बोला कि मैं अगर ये ट्रिब्यूनल की है वो है अपील में विड्रॉ करूं तो मैं एबल हूं कि मैं परमानेंट के लिए अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि मैंने लाइफ इंड्यू के टेस्ट भी पास किया हुआ है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, अगर ये मेरा विड्रॉ करूं मैं न्यू एप्लीकेशन डाल, तो क्या मैं अगर रिफ्यूज हो जाऊँ तो मुझे राइट ऑफ अपील मिलेगा या नहीं, और क्या मैं फिर भी काम कर सकता हूँ अगर मेरा एम्प्लॉयर अगर मेरा राइट टू वर्क चेक करे? और दूसरा, अगर मैं हेयरिंग में जाऊँ तो मेरे चांसेस ज्यादा है मतलब ये या नहीं, क्योंकि अगर हेयरिंग में जाता हूँ तो स्टिल आई हैव टू पे फॉर द न्यू एप्लीकेशन
फीस एंड व्हाटएवर। ठीक तो क्या मतलब ठीक है, मैं आपके सवाल समझ गया हूँ, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल जैसा मैंने पहले भी आपके जवाब में बताया था कि इंडेफिनेट आपको मिल सकता है। कानून ये कहता है कि अगर आप आज अपील अपनी विड्रॉ करते हैं 28 डेज के अंदर, अगर आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करेंगे, अगर होमोसोले सेटिस्फाई हुए कि आप पिछले 10 साल से इधर लीगल रहते रहे, तो आपको इंडेफिनेट मिल जाना है। मगर मेन प्रॉब्लम आपकी वाइफ का होगा, तो इसी वजह से मैंने कहा था कि आप अपील में प्रोसीड करें ताकि आपकी वाइफ का भी कोई बात बन जाए, क्योंकि उनको यहाँ पे अभी 10 साल कंप्लीट नहीं हुए। तो अगर आप इंडेफिनेटली लेना चाहते हैं तो फिर तो आप अपनी अपील विड्रॉ करें, इंडेफिनेट के लिए एप्लीकेशन कीजिएगा, इंडेफिनेट आपको मिल जाएगा। और अगर हम उसे रिफ्यूज करते हैं तो फिर आपको अपील का राइट नहीं मिलेगा, आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो जहां तक काम का ताल्लुक है, तो ये मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप अपनी अपील विड्रॉ करते हैं तो टेक्निकली जितना अरसा आपको इंडेफिनेट नहीं मिलता, आपके पास कोई स्टेटस नहीं होगा, उतना अरसा आप यहाँ पे काम कानूनी तौर पर नहीं कर सकते। तो इसलिए बेहतर है कि अपील पे जाइएगा, अपील पे अगर सारी चीज ठीक रही तो इमिग्रेशन जज आपकी अपील किसी लिमिटेड एक्सटेंट तक अलाउ करेंगे और दोबारा मैटर होम ऑफिस को भेजेंगे, और उस सूरत में आपको दोबारा इंडेफिनेट की फी नहीं भरना पड़ती है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुझे ना अपने केस के बारे में आपसे पूछना है जी। प्लीज जरा मेरी बात गौर से सुनिए, फिर मुझे सही जवाब दीजिए। जी फरमाए। हम लोगों ने ना अपना केस जमा कराया था आफ्टर 9th of July 2012 के बाद 18 सितंबर को। ठीक। और बच्चों को इधर 7 साल हुए थे और मेरे हस्बैंड को अभी 12 साल हो चुके हुए। ठीक। तो उसके बाद जो है हमें 2013 अक्टूबर में रिफ्यूजल उन्होंने लगा के भेज दिया। ठीक। फिर उसके बाद हमने विद इन 3 मंथ 7th of January को अपना JR यानी करवा दिया, प्री एक्शन प्रोटोकॉल जैसे लेटर होता है। ठीक। फिर उसके बाद हमें उन्होंने लास्ट जो लेटर भेजा 22nd of April को भेजा है, प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर, जो लेजिस्लेशन ऑपरेशन सेंट्रल को ही होएगा ना, वहां से आया है। तो वो लोग ये लिखते हैं कि हमारा डिसीजन वही है, या फिर ऐसे लिखा हुआ इस लेटर में आखिर में कि हम विद इन 3 मंथ इसको देखेंगे और उसके बाद आपको आंसर करेंगे। तो आपका क्या ख्याल है, ये अपील राइट तो हमें मिला नहीं हुआ, तो ये हमें दे देंगे? क्योंकि मेरा बेटा इस वक्त 13 ईयर है बड़ा, और दो छोटे जो हैं, 1 6 है और 1 5 है, जो इधर पैदा हुए। ठीक। प्लीज मुझे सही आंसर कर दीजिए, मैं क्या करूँ। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो होम ऑफिस आपको लेटर मिला है, वो कह रहे हैं कि 3 माह तक वो केस आपका रिव्यू करेंगे, तो फिर बेहतर है कि पेशेंट वेट करें, 3 माह के अंदर अंदर उन्हें एक नया फैसला कर रहा है। जाहिर बात है दो ही ऑप्शन होंगे, जैसा मैंने एक पहले कॉलर के जवाब में बताया था। एक तो ये कि होमोसोले आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लीव दे सकते हैं बच्चों के ग्राउंड के ऊपर, साथ में इस बेसिस के ऊपर कि आपके हस्बैंड को यहाँ पे रहते रहते 12 साल हो गए और बच्चे को 7 साल से ज्यादा अर्सा हुआ। तो दूसरा ये कि अगर वो स्टे रिफ्यूज करते हैं तो बिल्कुल आपको अपील का राइट मिलेगा, क्योंकि होमोस की अपनी पॉलिसी है कि अगर किसी बच्चे को यहाँ पे 3 साल से ज्यादा अर्सा हो तो होमोसोले उनको रिमूवल डायरेक्शन देते हैं और उसके ऊपर अपील का राइट देते हैं अंडर सेक्शन 10। तो अगर आपको अपील का भी राइट मिलता है तो फिर आप कोर्ट में जाएंगी, इमिग्रेशन जज आपका केस कंसीडर करेगा, वो सारी चीज देखेगा कि इधर आप अंडर इमिग्रेशन रूल्स कोई रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं या नहीं, या फिर आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स आर्टिकल 8 की बेसिस के ऊपर आपकी अपील अलाउ होनी चाहिए या नहीं। तो पेशेंट की वेट करें, थोड़े अरसे में होम ऑफिस से आपको डिसीजन मिलेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई, एक्चुअली मुझे अडॉप्शन के मुतालिक पूछना है कि एक तो हम लोग अप्रूव्ड हैं यहाँ लोकल प्राइवेट एजेंसी है अडॉप्शन की, लेकिन क्योंकि हम उनसे काफी डिसअपॉइंट हैं, वो बार बार हमें अबनॉर्मल बच्चे या इस तरह की मतलब सिख बच्चे दिखाते हैं, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट था, जो हम उनको स्टार्टिंग में सब बता चुके हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर वो नहीं हमें एक प्रॉपर बेबी दे सकते, जैसे कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं, ज्यादातर एडॉप्शन में ऐसे बच्चे आते हैं जो सिख होते हैं, उनकी बैकग्राउंड ऐसा होता है, तो अब हम चाहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान से अडॉप्ट करें तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और सेकेंडली ये कि अगर हम वहां से करते हैं तो ये क्या कॉस्ट करेगा, और आप फर्स्ट ब्लड यानी भाई या बहन के बेबी को ले सकते हैं या कर सकते हैं? प्लीज मुझे इस पे डिटेल से बताइएगा, थैंक यू सो मच। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, पाकिस्तान से अगर आप किसी को अडॉप्ट करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, आप ब्लड रिलेशन को बहन भाई के बच्चों को आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो इसके अलावा अगर आउटसाइड की कोई फैमिली है उसको आप अडॉप्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, अडॉप्ट
तो उसमें तरीकेकार ये है कि पहले आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, वहां पे अडॉप्शन की सारी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करनी पड़ेंगी। जब कंप्लीट होंगी तो जो आपका बेबी होगा, बच्चा होगा, वो पाकिस्तान से विजिट वीजा के लिए अप्लाई करेगा। विजिट वीजा 6 माह का जब मिलेगा वो इधर आएगा, यहाँ पे आप फैमिली कोर्ट में अडॉप्शन की प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है। जब यहाँ से अडॉप्शन के पेपर आपको मिल जाते हैं उसके बाद बच्चे को यहाँ पे सेटलमेंट मिल सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो। जी फरमाए। हेलो। जी फरमाइए। जी जी, मुझे ये पूछना है कि मेरी बेटी जो है। जी हलो? जी, आपकी आवाज आ रही है, फरमाए। जी मुझे ये पूछना है कि मेरी बेटी को जब वीजा है, वैसे अभी मेरे हस्बैंड को INR मिला था 2009 में। ठीक। सॉरी 2000। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछे, मैं आपको टीवी पे जवाब दूंगा। जी जी, अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरी बेटी मेरे हस्बैंड के INR से 5 महीने पहले पैदा हुई थी इंडिया में। ठीक। तो उसके 5 महीने बाद मेरे हस्बैंड को INR मिला। ठीक। तो फिर मैं उसे इंडिया से वहाँ पर VAS-4A करके फॉर्म भर के उसे मैं लेकर आई थी वीजा पर, और उसको जितना टाइम का मेरा वीजा था उतने टाइम का मेरी बेटी को वीजा मिला है। तो अब मेरे हस्बैंड जो है नेचुरलाइज करने वाले हैं अपने आप को विदिन 2 मंथ्स। ठीक। तो क्या मैं अपनी बेटी को भी नेचुरलाइज करा सकती हूँ, उसको INR M1 फॉर्म भर सकते हैं उसके लिए? ठीक। और मुझे बताएं कि आपका वीजा कब तक वैलिड है? मेरा वीजा 2015 तक वैलिड है और मेरी बेटी को भी 2015 तक का वीजा मिला है, जितना मेरा है उसमें मेरी डॉटर का है। और मैं अभी INR के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ठीक। और आप क्या, लेकिन मेरी डॉटर को मिल सकता है INR? क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास INR है और वो नेचुरलाइज करने वाले हैं अपने आप को। ठीक 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 है, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं जी, आपकी बेटी को अभी ब्रिटिश पासपोर्ट या आप उसके रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि उसमें था कि अगर आपकी बेटी की बर्थ इधर होती और उसके बाद आपके हस्बैंड को इंडेफिनिट मिलता फिर आप MN1 फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते थे। तो अब ये होगा ये कि आपके हस्बैंड को तो ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा, जब आप क्वालिफाई होंगे इंडेफिनेट के लिए तब आपकी बेटी को भी साथ इंडेफिनेट मिलेगा। जिस दिन बेटी को इंडेफिनेट मिल जाता है उसी दिन या उससे अगले दिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती है, और आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा और 1 साल बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। नाज़रीन, पता चला है कि यहीं तक था आज का शो, 1 घंटे का वक्त था, बड़ी तेजी के साथ गुजर गया। आपके सामने जितनी ज्यादा कॉल ले सकता था ली, फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिल पाई हो तो अगले हफ्ते अगले सैटरडे 4 बजे फिर यहीं पर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। रब रखा।